सो हेलो माय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, मैं हूँ देवपाल और आज की इस वीडियो में गाइज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अमेजॉन पे में एक से अधिक बैंक अकाउंट कैसे लिंक करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जैसे आप फोन पे या गूगल पे में बहुत सारा बैंक ऐड करके एक साथ चलाते हैं, तो फ्रेंड उसी तरह आप अमेजॉन पे में भी एक साथ बहुत सारा बैंक अकाउंट लिंक करके आप उसको चला सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक से अधिक बैंक कैसे लिंक करेंगे अमेजॉन पे में। तो आप गाइज उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो अब गाइज, आपको अमेजॉन पे में एक से अधिक बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आप सबसे पहले अपना अमेजॉन एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अब जैसे ही गाइज आपका अमेजॉन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, तो अब यहां से आपको अमेजॉन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अमेजॉन पे एप्लीकेशन पे ओपन करेंगे, तो अब गाइज यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर का, तो आप यहां क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक पेमेंट का और एक पेमेंट मेथड का, तो आप यहां क्लिक करेंगे पेमेंट मेथड पर। जैसे ही आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, तो अब यहां से देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट का, तो आप यहां क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो अब यहां से देखिए ये रिफंड बैंक, और इसके नीचे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट, तो आप यहां क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको यहां पे अपना दूसरा बैंक ऐड करने के लिए अब यहां से देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहां से देखिए पूछ रहा है कि क्या आप जिस बैंक को ऐड कर रहे हैं उसका आपको आईएफएससी कोड पता है। अगर आपको पता है तो आप यहां यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज गाइज आप यहां नो पे क्लिक करेंगे। तो यहां से फ्रेंड मैं यस पे क्लिक कर देता हूं, क्योंकि मुझे आईएफएससी कोड पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां नो पे क्लिक करेंगे और आप यहां से अपना बैंक नेम डाल लेंगे, उसके बाद अपना ब्रांच चूज करेंगे, उसके बाद आपका जो आईएफएससी कोड होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ फैच कर लेगा। तो यहाँ से मुझे मेरा आईएफएससी कोड पता है, तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक किया, तो कह रहा कि कृपया अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करें, तो चलिए यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। अब आप यहाँ से अपना आईएफएससी कोड एंटर करके आप यहाँ कन्फर्म आईएफएससी पे क्लिक करेंगे, ताकि ये कन्फर्म हो जाए। तो अब गाइज अगर आपका यहाँ आईएफएससी कोड सही रहता है, तो यहाँ से आपका पूरा डिटेल्स यहाँ से फैच कर लेगा। अब यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट टाइप का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, सेविंग होगा तो आप यहाँ सेविंग चूज करेंगे, करेंट होगा तो आप यहाँ करेंट चूज करेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है इंटर अकाउंट होल्डर नेम, तो यहाँ से आपके बैंक अकाउंट में आपका क्या नाम है आप वो नाम यहाँ एंटर करेंगे। अपना नाम फिलअप कर लेने के बाद यहां से दिए लिखा बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहां से अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। अब यहां से आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से यहां एंटर करके कंफर्म कर देना है, उसके बाद आप यहां से पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहां से पे क्लिक करेंगे, तो अब यहां से देखिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहां पे ऐड हो गया। यहां से देखिए लिखा है योर अकाउंट वाज सेव सक्सेसफुली, और यहां से देखिए लिखा है यू कैन सेंड मनी टू दिस अकाउंट आफ्टर 48 आवर्स। अब यहां से गाइज आप जो भी बैंक ऐड करेंगे, ऐड करने के 48 घंटे बाद आप इस बैंक को यूज कर सकते हैं, और आप इस बैंक की हेल्प से आप पैसा कहीं भी भेज सकते हैं, आप फिर आप मंगा सकते हैं। सो गाइज बस यही एक तरीका होता है कि आप अमेजॉन पे में एक से अधिक बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।